पारशिवनी शहर के मध्य भाग से नेशनल हाईवे अथॉरिटी के माध्यम से यहां पर बड़ा सीमेंट का रास्ता बनाया गया जो रामटेक सावनेर पारशिवनी शहर को शिवाजी चौक से जोड़ता है। इस चौक से आजू बाजू में छोटी बड़ी दुकानें लगी है जो यहां हमेशा बड़ी भीड़ लगी होती है। वहीं यही के स्कूली छात्र भी रोजाना बड़े पैमाने पर आना जाना करते हैं। इस चौक पर ना ही गतिरोधक है ना ही सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर व्यवस्था की है जो यहाँ पर जानलेवा साबित होने के आसार नजर आ रहे हैं। इस चौक पर रामटेक सावनेर की ओर से बड़े वाहन चालक बड़ी रफ्तार से वाहन चलाते हैं, वही छोटे बड़े वाहन चालक भी बड़ी धूम से यहाँ से गुजरते हैं। इसी वजह से आए दिन यहाँ पर हादसे होते रहते हैं। इस चौक पर पुलिस विभाग की ओर से यहाँ पर किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है। यहाँ पर किसी यातायात पुलिस की नियुक्ति होने से वाहन चालक अपने वाहनों की रफ्तार धीमी ना करके और तेज वाहन चलाते हैं। इसी वजह से यहाँ पर रोजाना हादसा होता रहता है जबकि यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से संबंधित विभाग की ओर से अनदेखी की जा रही है जो बड़ी दुर्घटना के आसार पैदा करने की कोशिश है। हाईवे अथॉरिटी के विभाग की ओर से इस रास्ते पर गतिरोधक लगाना जरूरी होते हुए भी यहाँ गतिरोधक नहीं लगाए गए हैं, ना ही यहाँ पर किसी सुरक्षा का फलक दिखाई देता है। वही पुलिस विभाग भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है जहाँ चहल पहल और हजारों वाहन यहाँ से गुजरते रहते हैं वहाँ पर यातायात पुलिस को नियुक्त ना करने से वाहन चालकों में भय नहीं है। नगर पंचायत तो यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से अभी किसी भी प्रकार का प्रबंध नहीं किया गया जो चिंता का विषय है। इस समस्या से निपटने के लिए अनेकों आंदोलन किए गए निवेदन दिए गए फिर भी संबंधित विभाग इस गंभीर परिस्थिति को नजरअंदाज कर रहा है। इसी वजह से यहाँ पर बड़ा हादसा होकर किसी निरपराध नागरिक विद्यार्थी की घटना में जान जा सकती है, उसी से यहाँ पर उद्रेक होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं यहाँ से रोजाना तहसीलदार पुलिस निरीक्षक मुख्याधिकारी और भी बड़े अधिकारी यहाँ से गुजरते हैं। यहाँ का नजारा रोजाना देखते हुए भी यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से उपाय योजना न करना नागरिकों को मौत के हवाले करने जैसा साबित हो सकता है। इसलिए यहाँ पर नागरिकों की सुरक्षा की दृष्टि से स्थानीय प्रशासन ने आगे आकर यहाँ की समस्या का निवारण करना महत्वपूर्ण है जो दुर्घटना होने से और किसी की दुर्घटना में मौत ना हो, इसलिए यहाँ पर जल्द से जल्द सुरक्षा के उपाय करने की मांग नागरिकों द्वारा बार बार की जा रही है जो आज तक इस ओर ध्यान नहीं देने से यहाँ बड़ी दुर्घटना होने की संभावना नागरिकों द्वारा जताई जा रही है। पारशिवनी शहर के नागरिकों द्वारा इस चौक पर उचित सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की जा रही है। पारशिवनी से रुपेश खंडारे की रिपोर्ट NBC न्यूज नागपुर। अपन जिथे उभे आहो हा रामटेक पारशिवनी सावनेर रस्ता है। या रस्त्यावर शिवाजी चौक है। शिवाजी चौकामध्ये मागील एक वर्षा आधी यांची कंपनीने हा रस्ता मोठा केला होता। मोठा केल्यानंतरही या चौकावर एवढा मोठ्या प्रमाणात वाहतूक आहे ज्यामध्ये बसेस ट्रक कार मोटरसायकल आणि पायदळ जाणारे वाहतूकदार मोठ्या प्रमाणे अवैध आगमन करतात पण या स्थळावर एवढा भयानक अपघात होण्याची शक्यता आहे की जेणेकरून अपघात झाल्यास इथे जीवितहानी होण्याची दाट शक्यता आहे। तरीही या रस्त्यावर कुठल्याही प्रकारची सुरक्षा नाही, कुठलेही फलक नाही, कुठलेही ब्रेकर नाही आहे त्यामुळे या रस्त्यावर होणारा अपघात हा भीषण अपघात होणार आहे। तरी या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारच्या पोलिसांच्या पोलीस विभागातर्फे कुठलीही सुरक्षा व्यवस्था इथे करण्यात आलेली नाही आहे तर या रस्त्यावर नाही कुठल्याही प्रकारचा ब्रेकर नाही आहे आणि कुठली फलक नाही आहे। वारंवार या रस्त्यावर ब्रेकर व्हावा, या रस्त्यावर सुरक्षा प्रदान करण्यात यावी यासाठी आंदोलन करण्यात आले तरीही कुठल्याही विभागातर्फे या रस्त्याच्या सुरक्षेसाठी किंवा वाहतूकदारांसाठी कुठलीही व्यवस्था करण्यात आली नाही आहे त्यामुळे येथे होणारा हा अपघात हा भीषण होणार आहे आणि त्यातून घडणारा उद्रेक हा त्याच्यापेक्षाही मोठा होणार आहे। त्याकरिता पोलीस विभागाने सुद्धा या स्थळावर एक वाहतूक पोलीस नेमावा आणि HG कंपनीच्या हायवे अथॉरिटीने या रस्त्यासाठी ब्रेकर लावावे जेणेकरून लोकांचा जीव वाचेल आणि वाहतूक ही मंद गतीने व्हावी यासाठी फलक लावणे आवश्यक आहे। शहरातील अनेक लोकांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केले, समस्या निर्माण केल्या पण कुणीही आजपर्यंत या विभागाचे अधिकारी या येऊन चौकशी करून सुद्धा गेलेले नाही आहे। त्यामुळे जर इथे अपघात झाला, जर इथे कुठं काही कारणं झाली तर संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यावर गुन्हा नोंदवावा
अशा प्रकार की मागनी पार्श्वनी होता है। मी रुपेश खंडारे, बीजे न्यूज पार्श्वनी।